जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो आज का वीडियो है वो श्रेष्ठा की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 18 जून को है, पीएम यशस्वी योजना जिसका फॉर्म अगस्त तक आने की उम्मीद है, और NMMS यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप जिसे हिंदी में कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधार छात्रवृत्ति परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 3-4 हज़ार लगभग बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर फिफ्थ फ्री में सब कुछ प्राप्त करने वाले बच्चों, किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लगना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सॉल्व पेपर दिखाए हुए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो PMSSB श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट और NMMS की प्लेलिस्ट में जाकर आप रेस्पेक्टिव एग्जाम्स का देख सकते हैं। ठीक है, और इसका बच्चों को बता दें कि श्रेष्ठा का जो एडमिट कार्ड है वो 14 जून से डाउनलोड होना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किसकी वजह से इंडिया में हुआ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है लेकिन बार बार आता भी है ये। 52 है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेल, तो ये बच्चों रसिया में है। ठीक है, यानी कि रूस में है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई में है, पिछले वीडियो में मैंने शायद बताया था, जवाहरलाल नेहरू वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर सूची मिलान हमें करनी है, ये घास के मैदान है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैचिंग वाले आ भी रहे हैं आपके एग्जाम में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 3। जो कैंपास है वो है ब्राज़ील, पंपास जो है अर्जेंटीना, सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका, स्टेपिस जो है रूस। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो पिछली बार मैंने इसका मुख्यालय के बारे में बताया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर है 1944, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, फिर है इसके बाद क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किसे ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो ये प्रस्तुत किया था गांधी जी ने। ठीक है, फिर है ट्राई, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक संस्था है। तो पता है होगा बच्चों कि ट्राई जो है टेलीकम्युनिकेशन के लिए है और दूर संचार यानी कि दूर संचार के लिए है, और ये जितने भी आप देखते हैं 4G 5G इसकी नीलामी करना, सेक्टर्स को देना, जो जो कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनको सिग्नल्स देना, ये सब चीज़ें ट्राई का काम है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो बच्चों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद नीति आयोग बनाया गया, इसको भंग कर दिया गया पंचवर्षीय योजना को। ये 2012 से 2017 तक का इसका कार्यकाल था। ठीक है, फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लौटे थे 1915 में। ठीक है, और जिस दिन ये लौटे थे बच्चों, ध्यान रखिएगा, उसी दिन जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरा बताइएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे आपके दो चीज़ आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका कथन, और दो कथन दिए हुए हैं, इसको हम देखें। कथन एक, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नहीं, एकदम गलत है। ठीक है, और इसके बाद है किस में निहित है, जरा कमेंट सेक्शन बताइएगा, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ये एकदम सही है, तभी तो प्रधानमंत्री हैं, जितने भी MP चुने गए, मंत्रालय दिए गए उनको। ठीक है, तो मंत्री परिषद जो बना, जो उसमें हेड होगा वही क्या बनता है, PM बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो कथन एक गलत है, कथन दो जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है 61 आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप रहता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है।
तो यहाँ देखिए ऑप्शंस देख के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से बच्चों लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी रहता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब देखिए विभिन्न तरह के नृत्य हैं ये, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा किस राज्य का है, ठीक है। तो भरतनाट्यम जो है वो है आपका तमिलनाडु, कथक जो है ये है आपका उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी जो है वो है केरल का, और मोहिनीअट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश का। इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर 2 जो बच्चों जो है सही है। फिर है इसके बाद, हाँ ये कालक्रम वाला है जो कि हमें करना है कि कब कौन कौन सी यात्रा हुई है, ठीक है। तो 63 में बच्चों सबसे पहले देखिए बताया हुआ मैंने चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है, नंबर 1 पे है। इसके बाद आता है आपका तिलक की मृत्यु है, ठीक है, नंबर 2 हो गया। इसके बाद है आपका दांडी यात्रा है। इसके बाद आखिरी में आपका है शिमला समझौता, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी सी बी ए बी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजा गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 64 का बच्चों सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन को हटाकर बाद में राजा गोपालाचारी जी को बनाया गया था, जो प्रथम भारतीय भी थे, ठीक है। तो 64 का 2 आंसर सही है। 65 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि बायोडायवर्सिटी डे, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी डेट्स मैंने इधर विच आपको बताए हैं, तो ये है बच्चों 22 मई, ठीक है, एक 22 अप्रैल था, ठीक है, एक 22 मार्च था। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये देखिए 22 वाली क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इस पर क्यों ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए चीज़ें कन्फ्यूज़ भी करती हूँ, तीनों बार बार आती हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल, काफ़ी वीडियो में मैंने बताया हुआ, ये कौन सा दिन पड़ता है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 22 मई, देखिए तीनों को देखें, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई तीनों लगातार ये महीने हैं। इसको आप याद भी कर लीजिए, एक आप उसको कुछ बना भी सकते हैं याद करने के लिए, कुछ इसका क्या कहते हैं मिमिक्री टाइप में, ठीक है। तो आप इसका कोड बना लीजिएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि बाकी जो 22 मार्च या अप्रैल है वो किस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो ये भी हमें करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें आया था बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर, ये आप डेट्स देख लीजिएगा, डेट्स ऐसे आती नहीं है लेकिन आगे पीछे, लेकिन देखिए दो चीज़ का आप देख लीजिएगा जो मुझे लग रहा है, एक ए वाला, एक सी वाला, एक बी वाला। प्रोजेक्ट हाथी 1994 के आसपास से याद आ रहा है मुझे, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम ये मुझे 1972 1972 याद आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर, ये तीनों के डेट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे आया याद आ रहा है ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था। इसके बाद है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम है, प्रोजेक्ट हाथी सबसे बाद में आया था, ठीक है इसमें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बच्चों तीसरा जो है वो सही है 66 का। इसके बाद आते हैं 67 देखें, इसमें देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओजोन पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो दोनों के दोनों सही हैं, कथन एक और कथन दो जो हैं दोनों सही हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ओजोन परत किस तरह से हमारी रक्षा करती है, और एक बहुत बड़ा छिद्र, छेद जो मान लीजिए पृथ्वी हमारी चारों तरफ एक ओजोन की परत है, तो कहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद पाया गया है जहाँ से दिक्कत हो रही है हमारे पृथ्वी को, तो ये जरा बताइएगा, ठीक है। दो प्रश्न इसके लिए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 68, भारत का कौन सा शहर डायमंड हार्बर के उपनाम से जाना जाता है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता की दिल्ली? तो बच्चों ये जो है वो कोलकाता जाना जाता है डायमंड हार्बर के रूप में। तो कुछ अब गणित के भी प्रश्न एक दो बता दूं मैं आपको, ये आपको बच्चों प्रश्न काफी पसंद आएगा।
ये है इसमें कि 7 के घात 781, मतलब 7 to the power 181 में कि इकाई और दहाई अंक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतनी बार तो भाई हम गुणा करेंगे नहीं, तो इसको करना कैसे है, इसको देखिए 7 के घात 1 कितना होगा, 7 होगा। 7 के घात 2 कितना होगा, 7 को 7 से 2 बार गुणा कर दीजिए, 49 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम 7 को 4 बार गुणा करें आपस में, मतलब 7 के घात, ये 49, ये 49, 49 को अगर 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है, 7 के घात 4 जो है वो आ जाएगा, आखिरी 2 अंक इसके 0 1 आएंगे। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि 181 को हम 4 से भाग दे देते हैं पहले, क्योंकि हम 4 की घात लेंगे यहाँ पर, 4 4 जा 16, या 21, 4 5 जा 20। यानी कि अगर हम इसको 7 के घात 181 को कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये 45 और यहाँ शेष 1 बचा है। हम इसको 7 के घात 181 को कैसे लिख सकते हैं, 7 के घात 4 गुणे 45 आया था, और नीचे शेष कितना बचा था, 1 बचा था। ठीक है, तो ये देखिए 7 के घात जो 45 है वह किसके बराबर है, जैसे 7 के घात 1 को कैसे लिख सकते हैं, 7 या 0 7 लिख सकते हैं, कोई अंतर तो है नहीं। ठीक है, तभी हमने देखा था 7 के घात 4 को कैसे लिख सकते थे, 0 7 लिख सकते थे। इसका मतलब कि ये जो है, ये जो फिगर है वो किसके बराबर है, आपका ये है 7 के घात 1 के बराबर है, यानी कि 0 7 के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए अगर क्या पूछा था, इनके इकाई और दहाई अंक का जोड़ पूछा है, तो 0 प्लस 7 कर लीजिए कितना आया, 7 आया। बच्चों ये देखिए घात के प्रश्न कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहे होंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे NMS के जो पुराने वीडियोस हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। प्रश्न 2 है, दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, तो दो प्रमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल सदैव एक प्रमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो इसमें जो है एक प्रमेय संख्या, इसलिए इसका क्या होगा, उत्तर दूसरा होगा, परंतु दो और अपरिमेय संख्या का ना तो योगफल ना ही गुणनफल सदैव एक ही परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों ये थे आज का वीडियो, थैंक यू।